अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेरिवेशन के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करना है। वो डायग्राम होगा ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक ऑप्टिकल फाइबर कंसीडर करते हैं जिसमें जिसके अंदर एक क्लेडिंग पार्ट है और दूसरा कोर पार्ट है। ठीक है, और यह है मेरा कोर एक्सिस, यह है मेरा कोर एक्सिस। ठीक है, अभी मेरा एक लाइट मैंने इंसिडेंट किया, ये होता है इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट ये एक मेरा मैक्सिमम एंगल होगा, और थीटा आई भी बोल सकते हैं और थीटा मैक्स भी बोल सकते हैं। थीटा मैक्स क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हम कितना इंसिडेंट दे सकते हैं, कितने एंगल से इंसिडेंट दे सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से भी एक इंसिडेंट पार्ट आ सकता है। तो इमेजिनरी पार्ट से अगर हम लोग देखेंगे तो इधर एक कोन तैयार होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोन। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोन। ठीक है, अभी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यहाँ आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग, और यहाँ आएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। ठीक है, अब ये लाइट जो मैंने इंसिडेंट किया था ये यहाँ आके रिफ्रैक्ट होगी तो इसका एंगल आ जाएगा रिफ्रैक्शन एंगल, और यहाँ से एक रे मेरा नॉर्मल पे जाएगा, ये होगा मेरा नॉर्मल, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल थीटा सी। क्या बोले? क्रिटिकल एंगल थीटा सी, क्योंकि वहाँ पर हमारा क्या होता है ऐसा एंगल जहाँ पर मेरा इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री पे चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री पे वो आ जाता है, तो क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट यहाँ से फिर मेरा रे रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ से क्लाइडिंग को टकरा के फिर से वो रिफ्लेक्ट होगा, मीन्स रिफ्लेक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा एंड मेरा लाइट पास होगा। ठीक है, अब हमें इसमें से डेरिवेशन देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया, एक इंसिडेंट लाइट कंसिडर किया है जिसका इंसिडेंट एंगल है थीटा मैक्स, मीन्स मैक्सिमम थीटा। ठीक है, ये जाके क्लेडिंग अंदर क्या पार्ट है, क्लेडिंग एंड कोर। तो क्लेडिंग पे जाके वो क्या होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, कोर से रिफ्लेक्ट होके वो क्लेडिंग से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट कहाँ, डाउन साइड में। ठीक है, और अगर क्रिटिकल एंगल पे अगर जाता है तो वो सीधा 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगा। अब इसके डेरिवेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक चीज़ और याद रखना, रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग, यह हमेशा ये कंसेप्ट याद रखना, क्योंकि तभी जाके मेरा रिफ्लेक्शन कंटिन्यूसली अंदर फ्लो होता रहेगा। ठीक है, और मेरी लाइट पास होगी। नेक्स्ट, अभी इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, इसमें एक हमने देखा थीटा मैक्स। ठीक है, थीटा मैक्स हमारा क्या है, मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने देखा इसके अंदर थीटा आर, यह है मेरा रिफ्रैक्शन एंगल। इसके बाद हमने देखा थीटा सी क्या है, मेरा क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये सब मेरे एंगल्स के पार्ट हो गए। अब मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करता हूँ, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने क्या देखा, म्यू एयर मीन्स ये हमारा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। नेक्स्ट आता है म्यू कोर, मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। नेक्स्ट आता है म्यू क्लेड, मीन्स क्लेडिंग, आता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग। ठीक है, अभी इनके जरिए हमें सब डेरिवेशन सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट आता है हमारा थीटा सी। ठीक है, अभी थीटा सी हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो मैं क्या बोलता हूँ, थीटा सी इज एन एंगल ऑफ क्रिटिकल। उसमें क्या होता है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री, इन विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ हमने पहले पढ़ा था, तो स्नेल्स लॉ अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो लेकिन स्नेल्स लॉ किस में अप्लाई करना है, ठीक है, स्नेल्स लॉ मैं अप्लाई करूँगा
pair of media, core and cladding, ये दोनों के बीच में मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूँ, ठीक है? तो स्नेल्स लॉ बेसिकली क्या होता है? साइन थीटा ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन थीटा ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट, ठीक है? अभी सबसे पहले मेरा क्या आता है, अगर मैंने मीडियम लिया, कोर एंड क्लेडिंग, ठीक है, ये दो पार्ट लिया है. अभी ये दो पार्ट के हिसाब से मेरा साइन थीटा सी एंड साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकता हूँ, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, ठीक है? मीन्स अभी हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, क्रिटिकल एंगल यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट होना चालू हुआ, ये मेरा इंसिडेंट पार्ट हो गया, तो इंसिडेंट मैंने थीटा सी लिया, वहाँ से जो नॉर्मल लाइन गई थी जहाँ से मेरा 90 डिग्री हो गया एंगल, मतलब रिफ्लेक्शन मेरा कितने का हुआ 90 डिग्री, तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है उधर 90 डिग्री, इसलिए साइन 90 लेना पड़ता है. और क्लेडिंग, क्लेडिंग मीन्स मेरा जहाँ पर ये इंसिडेंट हो रहा है, तो इंसिडेंट ये किधर हो रहा है मेरा रे, क्लेडिंग पे, तो इसलिए मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्लेडिंग कर लेना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन किस पे हो रहा है, वो कोर पे, इसलिए म्यू कोर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर. देन अब मुझे क्या करना है, साइन 90 मेरा कितना होता है 1, एंड ये सेम लिखो, ठीक है? अब ये मेरा थीटा सी है, लेकिन अगर मैं डायग्राम में देखूं तो डायग्राम में ये ध्यान देना, ये थीटा सी है, ये थीटा आर है, ये 90 डिग्री है, तो सिमिलरली मैं थीटा सी क्या होगा, थीटा सी मेरा होगा 90 माइनस थीटा आर, ठीक है? टोटल 90 डिग्री है एंड ये दोनों का एडिशन, तो मैं उसको शिफ्ट करूँगा तो मेरे को थीटा सी क्या मिलेगा, 90 माइनस आर, ठीक है? ये डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है? अभी नेक्स्ट साइन थीटा सी, साइन थीटा सी की जगह लिखूँगा 90 माइनस थीटा आर इक्वल्स टू म्यू क्लेड अपॉन म्यू कोर, ठीक है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, मीन्स ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू क्लेड अपॉन म्यू कोर, ठीक है? इतना पार्ट मेरा ख़त्म. लेकिन हमें मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक का एक फॉर्मूला पता है, यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो फॉर्मूला मुझे इधर अप्लाई करना है, तो मैं सिंपल इसको क्या बोलूँगा, कॉस थीटा आर मीन्स कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आर इक्वल्स टू म्यू क्लेड अपॉन म्यू कोर, ठीक है? इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, यहाँ पर मेरे को इक्वेशन नंबर 1 मिल गया. यहाँ पर मैंने क्या किया था, स्नेल्स लॉ अप्लाई किया था कौन से मीडियम पे, कोर एंड क्लेडिंग, ठीक है? सिमिलरली मैं अभी मैं स्नेल्स को अप्लाई करता हूँ सेकेंड पार्ट पे. तो अभी स्नेल्स को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई स्नेल्स लॉ इन एयर एंड स्नेल्स लॉ अप्लाई इन एयर एंड कोर, मीन्स डायग्राम में आप अभी डायग्राम मैंने ऑलरेडी आप प्रीवियस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है? तो जहाँ पर एयर और कोर की अगर बात करते हैं तो उसमें इंसिडेंट एंगल मेरा क्या था, इंसिडेंट एंगल था थीटा, थीटा मैक्स, एंड रिफ्रैक्शन एंगल मेरा क्या था उसके अंदर, उसमें रिफ्रैक्शन एंगल मेरा था थीटा आर. तो अभी सिंपल इसको मेरे को स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, तो मैं स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करूँगा, मीन्स यहाँ पर आएगा साइन थीटा मैक्स अपॉन साइन थीटा आर, क्योंकि हम लोग आउटसाइड से बोल रहे हैं, एयर से मेरा लाइट इंसिडेंट कहाँ हो रहा है, कोर में, ठीक है? तो साइन थीटा मैक्स मेरा इंसिडेंट पार्ट है और साइन थीटा आर मेरा रिफ्रैक्शन पार्ट है, ओके? इज इक्वल टू, अभी हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं रेशियो में, तो ये आएगा म्यू कोर अपॉन म्यू एयर, ठीक है? क्योंकि कोर में इंसिडेंस हो रहा है और एयर से इंसिडेंस होके कहाँ जा रहा है, कोर पे, ठीक है? तो दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मुझे रेशियो में लेना है, ये मेरा स्नेल्स लॉ था. अब ये स्नेल्स लॉ के जरिए मुझे फाइंड करना है साइन थीटा आर, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो साइन थीटा मैक्स इंटू म्यू एयर अपॉन म्यू कोर इक्वल्स टू साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है? अब ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ ये मैं अप्लाई करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो
apply equation 2 in equation 1. तो क्या आ जाएगा? Equation 1 मेरा क्या था? Equation 1 मेरा था under root 1 minus sin square theta r equals to mu clad upon mu core. ठीक है, तो mu clad upon mu core. Next, अगर मैं यहाँ apply कर देता हूँ, ये sin square theta r है और sin theta r का value मेरे को equation number 2 में find out किया है हमने, वो मुझे किधर apply करना है? Equation number 1 के sin theta r में. तो अभी मैं apply करता हूँ. Apply जैसे मैंने किया तो 1 minus sin square theta r था, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? Mu air sin theta max upon mu core, इनका होल स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू क्लेड अपॉन म्यू कोर. अभी हमने ऐसे ही अप्लाई कर दिया, तो क्या है इधर? माइक्रो म्यू एयर साइन थीटा मैक्स अपॉन साइन कोर, ये मुझे फिक्स मिल गया इक्वेशन. अब मैं इनको सॉल्व करूंगा, तो मुझे सबसे पहले यहाँ से रूट रिमूव करना है. तो रूट रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा? सिंपल स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो मैं इधर अप्लाई करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर दिया तो रूट रिमूव, तो 1 माइनस म्यू एयर साइन थीटा मैक्स अपॉन म्यू कोर, इनका होल स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर क्लैडिंग अपॉन म्यू कोर का स्क्वायर. ठीक है, अभी ये पार्ट मैं उधर शिफ्ट करता हूँ और ये पार्ट इधर शिफ्ट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस म्यू स्क्वायर क्लेड अपॉन म्यू कोर स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू एयर साइन थीटा मैक्स एंड म्यू कोर. ठीक है, तो इनको अभी स्क्वायर रिमूव कर दिया, तो स्क्वायर रिमूव हो गए. अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा म्यू स्क्वायर कोर माइनस म्यू स्क्वायर क्लेडिंग अपॉन म्यू स्क्वायर कोर इक्वल्स टू म्यू एयर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैक्स अपॉन म्यू स्क्वायर कोर. म्यू स्क्वायर कोर गेट्स कैंसिल एंड रिमेनिंग मेरे पास क्या बच रहा है? म्यू स्क्वायर कोर माइनस म्यू स्क्वायर क्लेडिंग इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर एयर और साइन स्क्वायर थीटा मैक्स. ठीक है, अभी ये इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूँ मैं इसको. अभी नेक्स्ट, मुझे ये पार्ट पता है क्या मेरा न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है. मेरा न्यूमेरिकल अपर्चर होता है म्यू एयर साइन थीटा मैक्स, तो ये पार्ट को मैं कहाँ अप्लाई करूँगा? इन इक्वेशन नंबर 3. तो पुट न्यूमेरिकल अपर्चर इन इक्वेशन 3, तो यहाँ आ जाएगा म्यू स्क्वायर कोर माइनस म्यू स्क्वायर क्लेड इक्वल्स टू, ये स्क्वायर के टर्म्स थे, ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा न्यूमेरिकल अपर्चर का स्क्वायर. अब यहाँ से अगर मैं स्क्वायर रिमूव करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट. तो ये आ जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर कोर माइनस म्यू स्क्वायर क्लेड इक्वल्स टू न्यूमेरिकल अपर्चर. तो न्यूमेरिकल अपर्चर के टोटल्स के अंदर दो फॉर्मूले, एक मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से अंडर रूट म्यू कोर स्क्वायर माइनस म्यू क्लेड स्क्वायर, और सेकंड था न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल्स टू म्यू एयर साइन थीटा मैक्स. ठीक है, तो ये मेरा फाइनल इक्वेशन है किसके लिए? न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए, इसलिए इसको मैंने इक्वेशन नाम दिया इक्वेशन नंबर 4. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? एक और एक्सेप्टेंस एंगल. ठीक है, क्या फाइंड करना है? एक्सेप्टेंस एंगल. तो इक्वेशन नंबर 4 से ही हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड करते हैं, या फिर इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग फाइंड कर सकते हैं. जैसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 अप्लाई करते हैं, तो वी नो डैट इक्वेशन 3. तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या था? इक्वेशन 3 था म्यू स्क्वायर कोर माइनस म्यू स्क्वायर क्लेड इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर एयर और साइन स्क्वायर थीटा मैक्स.
तो सबसे पहले मैं म्यू स्क्वायर एयर को यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, तो म्यू स्क्वायर कोर माइनस म्यू स्क्वायर क्लेड अपॉन म्यू स्क्वायर एयर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा मैक्स। अभी यहाँ का मुझे स्क्वायर रिमूव करना है, तो मैं यहाँ के स्क्वायर रिमूव करूँगा तो इधर रूट आ जाएंगे, तो यहाँ आ गया म्यू स्क्वायर कोर माइनस म्यू स्क्वायर क्लेड अपॉन म्यू स्क्वायर एयर इक्वल्स टू साइन थीटा मैक्स। ठीक है, तो ये मुझे एंगल पार्ट मिल गया। अभी मुझे सिर्फ थीटा मैक्स चाहिए, थीटा मैक्स के लिए साइन के टर्म मुझे ये साइड शिफ्ट करूँगा लेफ्ट हैंड साइड में, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर कोर माइनस म्यू स्क्वायर क्लेड अपॉन म्यू एयर। अभी यहाँ रूट से स्क्वायर रिमूव हो गया, इसलिए यहाँ क्या बचा म्यू एयर, स्क्वायर रूट से कैंसिल। नेक्स्ट यहाँ पर मेरा बचता है थीटा मैक्स, फिर फाइनली थीटा मैक्स मुझे क्या मिला, थीटा मैक्स मेरा बेसिकली है क्या, थीटा मैक्स मेरा है साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट म्यू स्क्वायर कोर माइनस म्यू स्क्वायर क्लेड अपॉन म्यू क्लेड म्यू एयर। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है ये हमें पता है। ठीक है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर कोर माइनस म्यू स्क्वायर क्लेड अपॉन म्यू एयर, तो यहाँ पर जाएगा थीटा मैक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स। अभी इन इक्वेशन नंबर फोर में हमने क्या देखा, न्यूमेरिकल अपर्चर मेरा क्या होता है अंडर रूट म्यू स्क्वायर कोर माइनस म्यू स्क्वायर क्लेड, ठीक है, अपॉन म्यू एयर, लेकिन म्यू एयर का फिक्स वैल्यू होता है मेरा वन, तो वहाँ मैं वन अप्लाई करूँगा तो मुझे थीटा मैक्स क्या मिलेगा इफ म्यू एयर इक्वल्स टू वन देन थीटा मैक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर, तो ये मेरा फाइनल आंसर, उसको इक्वेशन नंबर फाइनल। तो अभी हमने पूरे ही डेरिवेशन में ये देखा एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर, तो न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए मैंने टोटल इसके अंदर दो स्नेल्स लॉ यूज़ किए। फर्स्ट मैंने स्नेल्स लॉ यूज़ किया था कोर और क्लेडिंग के बीच में, नेक्स्ट मैंने स्नेल्स लॉ यूज़ किया था एयर एंड कोर के बीच में, और वहाँ से मुझे दो इक्वेशन फाइंड हुए थे, तो मैंने इक्वेशन के जरिए सॉल्व करके फाइनल मैंने क्या निकाला हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर का डेरिवेशन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर से मेरे को मुझे क्या मिलता है एक्सेप्टेंस एंगल, तो न्यूमेरिकल अपर्चर के इक्वेशन से मैंने एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड आउट किया। ओके, तो ये मेरा फाइनल डेरिवेशन है किसका, न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर में और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ज़रिए अभी हमें सम्स डेरिवेशन सम्स और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स और जो भी है हमें इससे सॉल्व करना है, तो ये इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके,